हेलो गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा LLB में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आइए हम चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 301 एवं 302 पर। डॉक्टर NV प्रांजपे के अनुसार धारा 301 से आशय यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का उसका आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध, यदि कोई व्यक्ति द्वारा ऐसी बात करने द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो, अर्थात इस धारा से यह स्पष्ट होता है कि अपराधी जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भूलवश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है जिसका न तो उसे मृत्यु कारित करने का आशय था और न मृत्यु कारित करने की संभावना थी। चूंकि विधि की दृष्टि में सभी व्यक्तियों का जीवन बहुमूल्य होता है, जैसे अपराधी क नामक व्यक्ति को मारने के आशय से उस पर गोली चलाता है, परंतु भूलवश वह गोली खा नामक व्यक्ति को लग जाता है और परिणाम स्वरूप खा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात अपराधी द्वारा इस अपराध के लिए यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि अपराधी का नामक व्यक्ति को मारने का उसका आशय था, परंतु गोली खा नामक व्यक्ति को लग जाता है, अर्थात विधि की दृष्टि में अपराधी उसी प्रकार जिम्मेदार होगा जिस प्रकार वह क नामक व्यक्ति को मारने का उसका आशय था, अर्थात ख को न तो उसको मारने का आशय था और न ही उसकी यह संभावना थी कि वह ख की मृत्यु कारित करेगा, अर्थात अपराधी इस अपराध से नहीं बचा जा सकता है और अपराधी को धारा 302 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। धारा 302 के अनुसार हत्या के लिए दंड, अर्थात जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 302 के अनुसार दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है एवं जुर्माने से दंडित किया जाता है, यदि अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का अभियोग साबित हो जाता है तो दंड निर्धारण का कार्य माननीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस अधिकार शक्ति का प्रयोग भी माननीय न्यायालय द्वारा अपने मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक होता है, अर्थात जजों की बेंच होती है जिसमें 4-5 न्यायाधीशों द्वारा अपना अपना विचार विमर्श किया जाता है, इसके पश्चात दंड निर्धारण का कार्य किया जाता है। जैसे राजस्थान बनाम साहिबराम 1975 के बाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि धारा 302 के अंतर्गत दंडादेश पारित करने के पूर्व न्यायालय को उस अपराध की प्रकृति के बारे में जानना होगा, उस अपराधी की मानसिक स्थिति कैसी है इसके बारे में जानना होगा, अपराधी की आयु, उद्देश्य और प्रयुक्त साधन के बारे में जानना होगा, अपराध करने के ढंग के बारे में जानना होगा, उससे कौन कौन सी चीज क्षतिकारित हुई है एवं मात्रा पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही यदि अपराध क्रूरतापूर्वक एवं नृशंस रूप से की गई हो तभी हत्यारे को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। जैसे दीनदयाल बनाम राजकुमार उर्फ राजू के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि अपीलार्थी दीनदयाल जो मृतक जय भगवान का घनिष्ठ संबंधी था एवं इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था,
बिचारा न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दीनदयाल के साक्षियों पर विश्वास करते हुए धारा 302 एवं 34 के तहत अपराधी राजकुमार को दोषी ठहराया गया। अभियुक्त राजकुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर विश्वसनीयता के प्रति गंभीर शंका जताई एवं इसके अलावा मृतक की घातक क्षतियां कारित की गई थी एवं वह घातक क्षतियां अभियुक्त राजकुमार से बरामद होना अभिकथित था। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान घातक क्षतियां साबित नहीं हो सकी। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजकुमार को इस अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया। इसके बाद अपीलार्थी दीनदयाल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी दीनदयाल जो मृतक का घनिष्ठ संबंधी था एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, यह पाया गया कि अपीलार्थी दीनदयाल मृतक के साथ चिकित्सालय गया था, परंतु उस समय हेड कांस्टेबल ड्यूटी पर मौजूद था, उसे अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। इस घटना के संबंध में अन्य तथ्य बताए गए थे, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के द्वारा दिया गया वृत्तांत अर्थात वर्जन संदेहास्पद होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है करके माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई। अर्थात अभियुक्त इस अपराध से बच गया एवं दोष